गुड मॉर्निंग ऑल योर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हिस्ट्री चैप्टर नंबर थर्ड, द 19th सेंचुरी 1815 टू 1914 देखो 19th सेंचुरी का जगह यहाँ पर बताया गया है। वर्ल्ड इकोनॉमी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर, वर्ल्ड इकोनॉमिक हेराइटेज। पहले मैं स्टार्ट किया था, इसके पहले जो क्लास लिया था, लिवलीहुड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी, जहाँ पर द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, प्री मॉडर्न वर्ल्ड, का किस तरह से मेकिंग चल रहा था, उसका कॉन्स्ट्रक्शनल पार्ट का बारे में बताया था मैं, प्री मॉडर्न वर्ल्ड का। उसी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर बताया गया है कि 19th सेंचुरी का क्या क्या फंक्शन था, फंक्शनलिटी किस तरह से डेवलप हो रहा था वर्ल्ड में, क्या कैसे पॉलिटिकली इकोनॉमिकली डेवलपमेंट हुआ था, उसका साथ साथ रूल रेगुलेशन का चेंजेस देखा गया था, ऑल ओवर डिस्कस यहाँ पर होगा। द वर्ल्ड चेंज प्रोफाउंडली इन द 19th सेंचुरी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स इंटरेस्टेड इन द कॉम्प्लेक्स वे टू ट्रांसफॉर्म सोसाइटीज एंड रिसेप्स एक्सटर्नल रिलेशनशिप्स। देखो वर्ल्ड का जो चेंजेस देखा गया था प्रोफेशनली, उस चेंजेस में नया क्या क्या हुआ था, इकोनॉमिक चेंजेस देखा गया था, पॉलिटिकली चेंज हुआ था, सोशली, सोशल कल्चरली, टेक्नोलॉजिकली, ऑल ओवर जितना सारा फंक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन इस टाइमिंग में देखा गया था। इकोनॉमिक्स आइडेंटिफाई थ्री टाइप्स ऑफ मूवमेंट और फ्लोस विथ इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक चेंजेस। इकोनॉमी को आइडेंटिफाई करके थ्री टाइप का मूवमेंट देखा गया था, जहाँ पर इंटरनल इकोनॉमिक चेंजेस देखा गया था, उसमें से क्या क्या है। द फास्ट इज द फ्लो ऑफ ट्रेड व्हिच इन द 19th सेंचुरी, जहाँ पर सबसे पहले 19th सेंचुरी का जगह बताया गया, वहाँ पर फ्लो ट्रेड का जो है, ट्रेड का परसेप्शनली चेंजेस देखा गया था। रेफर्ड लार्जली टू ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड में क्या चेंजेस देखा गया था। द सेकेंड इज द फ्लो ऑफ लेबर, सबसे पहले लेबर जो है एक पार्टिकुलरली जगह में, ट्रेड में चेंजेस देखा गया था, लेबर जो है उसका मेन परसेप्शन रहता है, ट्रेडिंग परसेप्शनली लेबर में माइग्रेशन देखा गया था, एक जगह का पीपल अलग जगह में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इस यहाँ पर इसका कौन सा इफेक्ट हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट का, एक एम्प्लॉयमेंट पर्पस, पीपल एक जगह से और एक जगह ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, इससे इफेक्ट हुआ किसका, इंटरनेशनल ट्रेड का, राइट। देन उसके बाद देखिए, ए वर्ल्ड इकोनॉमी टेक शेप, वर्ल्ड इकोनॉमी क्या था उसका बारे में बताया गया। ए गुड प्लेस टू स्टार्ट इज द चेंजिंग पैटर्न ऑफ फूड प्रोडक्शन, किस तरह से फूड प्रोडक्शन जो है, फूड का जो प्रोडक्टिविटी है उसमें चेंजेस देखा गया था। एंड कंजम्पशन इन इंडस्ट्रियल यूरोप, यूरोप का जितना सारा इंडस्ट्रीज था वहाँ पर किस तरह से कंजम्पशन क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। ट्रेडिशनली कंट्रीज लाइक टू बी सेल्फ सफिशियंट इन फूड, जितना सारा कंट्रीज था वहाँ पर फूड का सप्लीमेंटरी कैसा हो रहा था, फूड का सफिशियंसी कैसा था, प्रोडक्शन कैसे चल रहा था, ऑल ओवर यहाँ पर डिस्कस किया गया। ट्रेडिशनली कंट्रीज लाइक टू बी सेल्फ सफिशियंट इन फूड, जितना सारा कंट्रीज था मैक्सिमम कंट्रीज में फूड का सफिशियंसी देखा गया है। बट इन द 19th सेंचुरी ब्रिटेन सेल्फ सफिशियंसी इन फूड मीन्ड लोअर लिविंग स्टार्टेड एंड द सोशल कॉन्फ्लिक्ट, व्हाई वाज सो दिस, किस तरह से 19th सेंचुरी में फूड का स्कार्सिटी देखा गया था, फूड का जो सफिशियंसी है उसमें चेंजेस देखा गया था। पॉपुलेशन ग्रोथ फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी हैड इंटरेस्टेड द डिमांड फॉर फूड ग्रेन इन ब्रिटेन, 19th सेंचुरी का टाइमिंग में क्या हुआ था, ब्रिटेन में फूड का जो डिमांड है वो किस तरह से बढ़ गया था, मतलब पॉपुलेशन का अमाउंट बढ़ गया था तो फूड का डिमांड तो बढ़ेगा ही, क्योंकि फूड एक इंपॉर्टेंट नेसेसिटीज़ है ह्यूमन हैबिटेशन के लिए। एज अर्बन सेंटर एक्सपेंडेड, अर्बन का सेंटर्स जो है वो एक्सपेंड हुआ था, वो एक जगह से और एक जगह उसका स्प्रेड हुआ था, राइट। इंडस्ट्री ग्रो, इंडस्ट्री जो है उसका भी डेवलपमेंट देखा गया। द डिमांड फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चरल जितना सारा प्रोडक्ट्स है, एलिमेंट्स है, उसका डिमांड बढ़ गया था, वेंट अप, पुशिंग अप फूड ग्रेन प्राइसेस, फूड ग्रेन जो है उसका प्राइसेस भी उस कारण से बढ़ गया था। अंडर द प्रेशर्स फ्रॉम
landed groups, the government also restricted the import of corn. कॉर्न जो है एक इम्पोर्टेंट नेसेसिटीज फूड था, इस कारण से गवर्नमेंट जो है उस कॉर्न को सेव करने लगा। कॉर्न का मतलब जो फूड है एक इम्पोर्टेंट फूड कहाँ पर, इंग्लैंड और अमेरिकन कंट्रीज में, तो कॉर्न का डिमांड बढ़ गया। द लॉस एलोइंग द गवर्नमेंट टू डू दिस वेयर कॉमनली नोन एज द कॉर्न लॉस। एक लॉस पास किया गया कॉर्न फूड का बेसिस में जिसका नाम है कॉर्न लॉस। जो लॉस कौन पास किया गवर्नमेंट का बेसिक्स में, वो लॉस पब्लिश किया गया है, पास किया गया है। अनहैप्पी विथ हाई फूड प्राइस, फूड का जो प्राइस है सब वो बढ़ रहा था। इंडस्ट्री लाइट्स एंड द अर्बन ड्वेलर्स फोर्स द एडोप्टेशंस एवोल्यूशंस ऑफ द कॉर्न लॉ। कॉर्न का जो लॉ है उसको भी इंडस्ट्रियल एरिया में उसका डेवलपमेंट कर किया जा रहा था। After the corn law where scrapped food could not be imported in Britain more cheaply than it could be produced in the countries Britain जो है वहाँ पर बहुत सारा कंट्रीज है जहाँ पर फूड का डिमांड धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा था, बढ़ रहा था। ब्रिटिश एग्रीकल्चर वॉज अनेबल टू कम्प्लीट विथ इम्पोर्ट्स, ब्रिटिश एग्रीकल्चरल परसेप्शन जो है उसमें अवेलेबिलिटी नहीं था, नहीं देखा जा रहा था। देन उसके बाद देखो बुक को फॉलो करो तुम लोग। एज फूड पेज नंबर 58, एज फूड प्राइसेस फेल कंजम्पशन इन ब्रिटेन रोज। ब्रिटेन में फूड का जो प्राइसेस है वो धीरे धीरे बढ़ रहा था। फूड का जो प्राइसेस है रेट्स है वो ब्रिटेन में धीरे धीरे क्या हो रहा था, उसका प्राइसेस धीरे धीरे एक्सटेंड हो रहा था। फ्रॉम द मिड 19th सेंचुरी का टाइमिंग में फास्टर इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन ब्रिटेन ऑल्सो लेड टू हायर इनकम। ब्रिटेन में जितना सारा इंडस्ट्रीज था जिसका डेवलपमेंट चल रहा था, इनकम लेबिलिटी जो है वो उसका हाई था, एंड देयर फॉर मोर फूड इम्पोर्ट्स, जहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में फूड्स क्या हो रहा था, इम्पोर्टेंस मतलब इम्पोर्ट्स हो रहा था। अराउंड द वर्ल्ड इन ईस्टर्न यूरोप में क्या हो रहा था, जहाँ पर कौन कौन सा जगह में था, देखो जगह का नाम बता रहा हूँ, ईस्टर्न यूरोप, रूसिया, अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक, लैंड्स वेयर क्रिएटेड फूड प्रोडक्शन एक्सपेंडेड टू मीट द ब्रिटिश डिमांड, ब्रिटिश का जहाँ पर डिमांड बढ़ रहा था फूड का, तो इतना सारा जगह में भी फूड का स्कार्सिटी देखा गया था, क्योंकि वहाँ से फूड को ट्रांसपोर्ट किया जाता था ब्रिटेन में और इंग्लैंड का, यूरोप का जितना सारा कंट्रीज है वहाँ पर, क्योंकि उस टाइम में कॉलोनाइजेशन चल रहा था। नियरली 15 मिलियन पीपल एमर्ज फ्रॉम द यूरोप टू अमेरिका, यूरोप से अमेरिका में 15 मिलियन पीपल आया था। That is one type of migration, right? And the Australia in the 19th century, जो 19th century में ऑस्ट्रेलिया में भी देखा गया था। All over the world, some 150 million are estimated to have left their home. जहाँ पर 150 people जो है वो अपना home मतलब अपना घर घर को खो बैठा था, क्रॉस्ड ओशियन को पार किया था और वास्ट डिस्टेंस ओवर लैंड इन सर्च ऑफ ए बेटर फ्यूचर, लैंड को पार करके एक अच्छा फ्यूचर बनाने के लिए वास्ट डिस्टेंस ओशियन को पार किया। तो पूरा वर्ल्ड का जो जनरेशन है उसमें चेंजेस देखा जा रहा है। दस बाई 1819 ए ग्लोबल एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, 1890 में क्या हुआ था ग्लोबल में, ऑन द ग्लोब टोटल ग्लोब बेसिस वर्ल्ड में एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक सिस्टम्स जो है उसमें चेंजेस देखा गया था। accompanied by the complex changes in the labor movement patterns, लेबर का जो मूवमेंट है, लेबर का जो मेन परसेप्शन है उसमें भी चेंजेस देखा गया था 1819 में, राइट। कैपिटल फ्लोस, इकोलॉजिक्स एंड द टेक्नोलॉजी, हर जगह में एक चेंजेस देखा गया था। फूड एंड लॉन्गर कम फ्रॉम ए नियर बाई विलेज और टाउन, बहुत सारा पॉपुलेशन है जो विलेज एरिया से टाउन में आया था, टाउन टू विलेज को ट्रांसपोर्ट किया था, बट फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस अवे, वो लोग हजारों था मतलब मिलियंस को पार करके गया था मतलब माइग्रेट हुआ था। इट वॉज, इसको इंटरनेशनल माइग्रेशन भी बोला जाता है, जियोग्राफी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा, ये जगह याद रखना। इट वॉज नॉट ग्रोन बाय द पीजेंट्स टिलिंग हिज ओन लैंड, यहाँ पर जितना सारा पीजेंट था वो लोग अपना अपना लैंड्स को मतलब उसका लैंड्स को सबका खोना पड़ा, मतलब जिसका जो जगह था टोटली उस जगह से वो लोग शिफ्टिंग हो गया। वर्ल्ड में एक माइग्रेशन देखा जा रहा है इस टाइमिंग में 1819 में।
देन देखो रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का रोल क्या है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट जगह है। व्हाट वॉज द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन दिस, इन ऑल दिस, ऑल जगह में, ऑल पार्टिसिपेंट में टेक्नोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंस यदि देखा जा रहा है, जिस कारण से एक जगह का पीपल वर्ल्ड का अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग प्लेस में माइग्रेट हो रहा है, मैं टोटल यहाँ पर टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंस यदि क्या है, क्या परसेप्शन देखा जा रहा है। द रेलवे स्टैम्प शिप्स द टेलीग्राफ फॉर एग्जाम्पल्स वेर इम्पॉर्टेंट इन्वेंशंस विदाउट विच वी कैन नॉट इमेजिन द ट्रांसफॉर्म्ड 19th सेंचुरी वर्ल्ड, बट टेक्नोलॉजिकल एडवांटेजेस वेर ऑफन द रिजल्ट ऑफ लार्जर सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। वर्ल्ड का जितना सारा परसेप्शन है देखो, ऑल जगह में सोशली पॉलिटिकली इकोनॉमिकली जितना सारा फैक्टर्स है, वहाँ पर एक टेक्नोलॉजी की इंपॉर्टेंस ही हमारा देखा जा रहा है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस देखा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल द कॉलोनाइजेशन सिमिलर, पहले तुम लोग को बताया था कॉलोनाइजेशन चल रहा था वर्ल्ड में, कॉलोनाइजेशन क्या है, वाट इज कॉलोनाइजेशन, एक कंट्रीज का जो पावर है वो अलग कंट्रीज को कैप्चर करके रखेगा, अलग कंट्रीज में एक कंट्रीज का पावर चलेगा, जैसे कि इंडिया में इंग्लैंड ब्रिटिश का रूल रेगुलेशन चल रहा था, दैट इज वन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ कॉलोनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल कॉलोनाइजेशन स्टिमुलेटेड न्यू इन्वेंशन, कॉलोनाइजेशन जो है वो इस टाइमिंग में एक अलग परसेप्शन में फॉरवर्ड हुआ था, राइट। एंड द इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी कॉलोनाइजेशन का बेसिस में इम्प्रूव हुआ था, जैसे कि इंडिया में रेलवे का डेवलपमेंट हुआ था, वाटरवे जो क्रिटिकल वाटरवेज था जहाँ पर पहले यूज़ नहीं किया जाता था, जिस रूट को बाद में उसको भी यूज़ किया गया, ठीक। फूड मोर द चीपली क्वालिफाइड फार वे फ्रॉम द फाइनल मार्केट, मार्केट में एक चेंजेस उस टाइमिंग में देखा गया है, वर्ल्ड बेसिस मार्केट में चेंजेस देखा गया। देन उसके बाद देखो लेट 19th सेंचुरी कॉलोनाइजेशन, 19th सेंचुरी के में कॉलोनाइजेशन का क्या इंपॉर्टेंस सिटी देखा गया है, ट्रेड फ्लोरिस्ट एंड द मार्केट एक्सपेंडेड, जितना सारा मार्केट एरिया है, मार्केट का सराउंडिंग सिटी सेंटर का एरिया है, वहाँ पर मार्केट एरिया में चेंजेस देखा गया है, ट्रेड का चेंजेस देखा गया, राइट। जो मार्केट एरिया है वो एक जगह से लेके अलग प्लेस में अलग जगह में मार्केट भी एक्सपेंड हुआ, एक्सटेंड हुआ, उसका एरिया का डेवलपमेंट देखा गया। बट दिस वॉज नॉट ओनली ए पीरियड, बट ये एक टाइम में नहीं हुआ था ऑफ एक्सटेंडिंग ट्रेड एंड इंक्रीजिंग द प्रोस्पेरिटी, ये जो चेंजेस देखा गया था वो एक ही दिन में नहीं हुआ था, इसका लिए बहुत सारा टाइमिंग का डोनेट करने पड़ा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रियलाइज दैट देयर वॉज ए डार्कर साइड टू दिस प्रोसेस, यहाँ पर बहुत सारा रियलिटी देखा गया, जो परसेप्शन है वहाँ पर बहुत चेंजेस देखा गया, इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड का अलग अलग जगह में द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड द क्लोजर रिलेशनशिप विद द वर्ल्ड इकोनॉमी ऑल्सो मीन्ड ए लॉस ऑफ द फ्रीडम्स, वर्ल्ड इकोनॉमी में एक चेंजेस देखा गया, एंड द लिवलीहुड लेट 19th सेंचुरी यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट प्रोड्यूस्ड मेनी 19th सेंचुरी में यूरोप में बहुत सारा चेंजेस देखा गया, उसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, मेनी पेनफुल इकोनॉमी सोशल एंड इकोलॉजिकल चेंजेस थ्रू विच द कॉलोनाइज्ड सोसाइटीज वेर ब्रॉट इनटू द वर्ल्ड इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी जो परसेप्शन है वहाँ पर सोसाइटीज में भी एक चेंजेस देखा गया है। लुक एट द मैप ऑफ द अफ्रीका, अफ्रीका का मैप देखो, वहाँ पर देखो यू विल सी, बुक में देखो पेज नंबर 61 में अफ्रीका का मैप, जहाँ पर यू विल सी द कंट्रीज बॉर्डर, जहाँ पर बहुत सारा कंट्रीज का बॉर्डर देखा जा रहा है जो कॉलोनाइजेशन का जहाँ पर इफेक्ट पड़ा था। रन द स्ट्रेट एट द एवरी दे आर वे ड्रॉन यूजिंग द रूलर, यहाँ पर अलग अलग जगह में अलग अलग रूल चल रहा था, क्योंकि इंडिया और अफ्रीका, साउथ एशियन कंट्रीज और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो है वहाँ पर कॉलोनाइजेशन का सबसे ज़्यादा इफेक्ट उस जगह में देखा गया था। लेकिन उसके बाद देखो, देखो रिंडरपेस्ट ऑफ द कैटल प्लेयर, पेज नंबर 62, यहाँ पर क्या है, इन अफ्रीका, अफ्रीका में देखो इन द 1819 दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइमिंग पीरियड फॉर द वर्ल्ड बेसिस माइग्रेशन, वर्ल्ड का एक माइग्रेशन पार्ट में 1819 का एक इंपॉर्टेंस देखा जा रहा है।
देखो, इन अफ्रीका इन द 1819 में अफ्रीका में क्या हुआ था? ए फास्ट स्प्रेडिंग डिजीजेस ऑफ कैटल प्लाग। हाँ, कैटल प्लाग नाम का एक डिजीज देखा गया था टोटल अफ्रीका में। ऑफ रेंडर पीस्ट हैव हैड ए टेरिफाइंग इम्पैक्ट ऑन द पीपल्स लिवलीहुड। पॉपुलेशन जो है वो उसका इस डिजीज का वजह से वो लोग अपना माइग्रेशन को चेंजेस कर दिया, एक जगह का जहाँ पर रह रहा था अफ्रीका को छोड़ के अलग जगह में माइग्रेशन कर लिया। राइट, दिस इज अ गुड एग्जाम्पल्स ऑफ द विट स्ट्रीट यूरोपियन इम्पेरिकल्स इम्पैक्ट। यूरोपियन का एक इम्पेरिकल इम्पैक्ट का ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ऑन कॉलोनाइज सोसाइटीज, कॉलोनाइज सोसाइटी जितना था अफ्रीका में, राइट, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जितना सारा कंट्रीज था कॉलोनियल रूल जहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा था। इट शोज हाउ इन दिस एरिया इन दिस एरा ऑफ द कॉन्क्विस्ट इवन ए डिजीज अफेक्टिंग द कैटल स्प्रेड द लीव्स ऑफ द फॉरेस्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स एंड देयर रिलेशन फॉर द वर्ल्ड। वर्ल्ड में बहुत पॉपुलेशन का रिलेशन जो है वो खत्म हो गया था, बहुत पॉपुलेशन का डेथ हुआ इस सिचुएशन में, इस फंक्शन में। हिस्टोरिकली अफ्रीका हैड अबाउंडेंट लैंड एंड ए रिलेटिवली स्मॉल पॉपुलेशन। अफ्रीका जो है एक अबाउंडेंट लैंड है जहाँ पर पॉपुलेशन का अमाउंट भी बहुत कम था उस टाइमिंग में। फॉर कंट्रीज लैंड एंड लिवलीहुड सस्टेंडेड अफ्रीका लिवलीहुड एंड पीपल रेयरली वर्क फॉर ए वेज। जहाँ पर बहुत ही कम अमाउंट में पॉपुलेशन अलग अलग हिस्सा में मतलब डिवाइड था, वो लोग काम कर रहा था बहुत ही कम पेमेंट में। इन लेट 19th सेंचुरी अफ्रीका देयर वेयर फ्यू कंज्यूमर्स गुड्स दैट वेजेस कुड बट बाय इफ यू हैड बीन इन एन अफ्रीकन पोजिंग लैंड एंड द लिव स्टॉक एंड देयर वेयर ब्लैंडली ऑफ द बोथ। अफ्रीका का अलग अलग जगह में पॉपुलेशन का परसेप्शन में भी चेंजेस देखा गया था। देन उसके बाद देखो, इंडेंचर लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया। इंडिया में किस तरह से लेबर का माइग्रेशन देखा गया है यहाँ पर पेज नंबर 63 में। इंडिया में अलग अलग जगह में किस तरह से माइग्रेशन देखा गया है जो लेबर कैटेगरीज का पीपल है उसका अलग अलग फंक्शन में किस क्या क्या चेंजेस देखा गया है, कहाँ पर पर्टिकुलरली इंडिया में। द एग्जाम्पल्स ऑफ इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया ऑल्सो इलुस्ट्रक्चर्स द टू साइड्स नेचर ऑफ द 19th सेंचुरी वर्ल्ड। इट वॉज ए वर्ल्ड ऑफ फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ एज वेल एज ग्रेट मिस्ट्री, हायर इनकम्स फॉर सम एंड द पोइट्री और अदर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन सम एरियाज, न्यू फॉर्म्स फॉर द कनेक्शन इन अदर। इनका अलग अलग जगह में जितना सारा पॉपुलेशन अलग अलग वर्किंग एक्टिविटीज़ का साथ इंक्लूड था, उसका जो फंक्शनली टेक्नोलॉजिकल चेंजेस का साथ साथ उसका भी एक इम्पोर्टेंसिटी देखा गया, इफेक्ट उसका भी ऊपर एक इफेक्ट पड़ा और वो माइग्रेशन कर लिया, एक जगह से और एक जगह ट्रांसपोर्ट हुआ। इन द 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी का टाइमिंग में हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस एंड द चाइनीज लेबर्स, हंड्रेड्स थाउजेंड्स 1000 से भी ज़्यादा इंडियन और चाइनीज लेबर्स वेंट टू वर्क ऑन द प्लांटेशन। प्लांटेशन का परसेप्शन में पर्पस एक जगह से और एक जगह ट्रांसपोर्ट कर लिया। इन माइंस एंड इन रोड एंड रेलवे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड। वर्ल्ड में जितना सारा रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, राइट, वर्ल्ड का कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्शन प्रोजेक्ट हो रहा था उसमें चेंजेस देखा गया है। इन इंडिया, इंडिया में देखो, इंडेंजर्ड लेबरर्स वेर हराइड अंडर द कंस्ट्रक्शन व्हिच प्रोमिस्ड रिटर्न ट्रैवल टू इंडिया आफ्टर दे हैड वर्क 5 ईयर्स ऑन देयर एम्प्लॉयर्स प्लांटेशन। जहाँ पर वो लोग 5 साल तक प्लांटेशन का परसेप्शन में मतलब इन्वॉल्व रहा। मोस्ट इंडियंस इंडेंजर्ड वर्कर्स केम फ्रॉम द प्रेजेंट डे रीजियंस ऑफ द ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। बहुत सारे इंडियन वर्कर है पर पॉपुलेशन है जो उत्तर प्रदेश का ईस्टर्न पार्ट से मतलब अराइव किया, वो वहाँ से आया, बिहार से आया, सेंट्रल इंडिया एंड द ड्राई डिस्ट्रिक्ट द तमिलनाडु, तमिलनाडु अलग अलग स्टेट से लोग अराइव किया प्लांटेशन का परसेप्शन में,
पर्पस। इन द मिड 19th सेंचुरी दिस रीजन, मिड 19th सेंचुरी का टाइमिंग में इस एरिया में एक्सपीरियंस द मेनी चेंजेस, बहुत सारा चेंजेस देखा है। कॉटेज इंडस्ट्रियल डिक्लाइन, जहाँ पर कॉटेज इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हुआ। लैंड रिटर्न्स रोज, लैंड वेस्ट क्लियर्स फॉर माइंस एंड प्लांटेशन, माइंस का डेवलपमेंट हुआ, प्लांटेशन का ग्रोथ हुआ। ऑल एफेक्टेड द लिवलीहुड्स ऑफ द पोर, पोर का जो लाइफ सिस्टम है उसमें बहुत सारा इफेक्ट देखा गया। देन द इंडियन एंटरप्रेन्योर्स अब्रॉड, यहाँ पर क्या है ये जगह देखो, ग्रोइंग फूड एंड अदर क्रॉप्स फॉर द वर्ल्ड मार्केट रिक्वायर्ड कैपिटल, लार्ज प्लांटेशन कुड बोरो इट फ्रॉम बैंक एंड द मार्केट्स, बट व्हाट अबाउट द हम्बल पीजेंट्स, जहाँ पर बहुत सारा पॉपुलेशन का परसेप्शनली चेंजेस देखा गया है। एंटर द इंडियन बैंकर, इंडिया में जितना सारा बैंकिंग सिस्टम था, डू यू नो, तुम लोग को पता है क्या ऑफ द सिकरी, देखो सिकरी पूरी श्रॉप्स एंड द नुट्टुकोरी, ये सब जगह में दे वेर अमंग द मेनी ग्रुप्स ऑफ बैंक्स एंड ट्रेडर्स हु फिनांस्ड एक्सप्लोर्ड एग्रीकल्चर एंड सेंट्रल एंड साउदर्न एशिया, जहाँ पर वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा फिनेंशियल डेवलपमेंट देखा गया इसका परसेप्शन में, एग्रीकल्चर का परसेप्शन में सेंट्रल एंड साउदर्न एशिया में, राइट, सेंट्रल एंड साउदर्न एशिया में ये परसेप्शन, ये फंक्शनेबिलिटी देखा गया है। इंडियन ट्रेड कॉलोनाइजेशन एंड द ग्लोबल सिस्टम, इंडिया में ट्रेडिंग सिस्टम कैसा था, कॉलोनाइजेशन का इंपॉर्टेंसिटी क्या हुआ था, एंड द ग्लोबल सिस्टम, ग्लोब का क्या सिस्टमेटिक चेंजेस देखा गया था। हिस्टोरिकली फाइन कॉटन्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया वेर एक्सपोर्टेड टू यूरोप, हिस्टोरिकली इंडिया में कॉटन का जो प्रोडक्शन है वो इंडिया से यूरोप में एक्सपोर्ट हुआ, ट्रांसपोर्टेशन देखा गया। विद द इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रिटिश कॉटन मैनुफैक्चर बिगिन टू एक्सपेंड, ब्रिटिश जो कॉटन मैनुफैक्चरिंग सिस्टम था उसमें चेंजेस देखा गया। इंडस्ट्रियलाइज प्रेशराइज्ड द गवर्नर टू रिस्ट्रिक्ट कॉटन इम्पोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट लोकल इंडस्ट्रीज, देखो कॉटन जो है वो अलग अलग इंडिया का अलग अलग प्लेस में लोकल इंडस्ट्री का साथ साथ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का भी डेवलपमेंट हुआ, उसका डिस्ट्रीब्यूशन इस टाइमिंग में सबसे ज़्यादा स्प्रेड हुआ। ट्रैफिक्स एंड द इम्पोर्ट फॉर द क्लोथ इम्पोर्ट टू ब्रिटेन, जो जहाँ इंडिया से कॉटन का मतलब कॉटन क्लॉथ का ट्रांसपोर्टेशन किया गया ब्रिटेन में। कॉन्सिक्वेंटली इन द फॉलोइंग फाइव फाइन इंडियन कॉटन बिगेन टू डिक्लाइन, इंडियन कॉटन का इस टाइमिंग में सबसे ज़्यादा डिक्लेनेशन देखा जा रहा है, ग्रोथ देखा जा रहा है। यहाँ पर देखो मार्केट बाय तारीफ बैरिस, अलग अलग जगह में मार्केट था, जहाँ पर इंग्लैंड में दिखाया गया तारीफ बैरिस। इंडियन टेक्सटाइल नाउ फेस्ट स्टिफूस कॉम्पिटिशन इन द इंटरनेशनल मार्केट, इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिशन का जगह में आ गया, मतलब इंडियन कॉटन का कैसा डिमांड जो स्प्रेड हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था वर्ल्ड इकोनॉमी हेराइटेज में, वो यहाँ से पता चल रहा है, राइट। देन उसके बाद देखो इंटरवार इकोनॉमी क्या है, ये जगह सबसे इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कौन सा टाइमिंग में हुआ था, 1914 to 1918 टाइमिंग में, याद रखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का भी जगह इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 to 1918 वॉज मेनली फ्रॉट इन यूरोप, जो जहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देखा गया यूरोप का, बट इट इज इम्पैक्ट वॉज फेल्ड अराउंड द वर्ल्ड, जिसका इफेक्ट जो है इम्पैक्ट जो है टोटल वर्ल्ड का अलग अलग प्लेस में जिसका इम्पैक्ट देखा गया है, नोटेबली फॉर आवर कॉन्सर्न्स इन दिस चैप्टर इट प्लग्ड द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी इनटू ए क्राइसिस दैट टुक ओवर 3 decades टू द ओवरकम, जहाँ पर देखो इंडियन जो इकोनॉमिक सिस्टम से वहाँ पर क्या क्या चेंजेस देखा गया है, फंक्शनली किस तरह से इंडियन इकोनॉमी में डेवलपमेंट ट्रांसपोर्टेशन देखा गया है इंटर वॉर से टाइमिंग में, जिस टाइमिंग में चल रहा था फर्स्ट वर्ल्ड का टोटल वर्ल्ड में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का मेन परसेप्शन, जहाँ पर जिस टाइमिंग में प्रोग्रेस हो रहा था। द वर्ल्ड एक्सपीरियंस विथ स्ट्रेट
वर्ड्स का जो परसेप्शन है वो कैसे स्प्रेड हो रहा था, विड स्प्रेड इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिकली या पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी कैसे डेवलपमेंट हो रहा था, एंड अनदर कैटास्ट्रोफिक वार, अलग अलग जगह में किस तरह से वार का डेवलपमेंट देखा जा रहा है। देखो वार टाइम ट्रांसपोर्टेशन, वार टाइम में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में क्या इफेक्ट पड़ा था, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एज यू नो यू फॉट बिटवीन टू पावर ब्लॉक्स। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम में देखो वर्ल्ड का क्या सिस्टमेटिक चेंजेस देखा गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एज यू नो तुम लोग, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइमिंग में पता है तुम लोग को, वॉज फॉट बिटवीन टू पावर, टू पावर में ये वर्ल्ड वॉर हुआ था ऑन द साइड्स ऑफ द अलायंस, एक साइड अलायंस था और एक साइड एक्सिस था। अलायंस में कौन कौन था, ब्रिटेन फ्रांस एंड रूसिया, लेटर ज्वाइन बाद में ज्वाइन किया था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए बाद में भी इसमें अलायंस पावर में ज्वाइन किया था। एंड द अदरवाइज ऑपोजिट साइड्स ऑफ द सेंटर पावर, सेंटर पावर में था जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगेरी एंड ऑटोमन तुर्की, ऑटोमन तुर्की से लेके जर्मनी ऑस्ट्रिया एंड हंगेरी भी इस पावर में शामिल था। व्हेन द वॉर बिगन इन अगस्त 1914, जब 1914 का अगस्त में वॉर स्टार्ट हुआ, मैनी गवर्नमेंट थ्रो इट वुड बी ओवर बाय द क्रिसमस, बहुत सारा गवर्नमेंट जो है वो इस टाइम में क्रिसमस सेलिब्रेशन कर रहा था। इट लास्टेड मोर देन 4 ईयर, ये लास्ट तक 4 साल तक चला था। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज ए वॉर लाइक नो अदर बिफोर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एक ऐसा वॉर हुआ था जो जिसका परसेप्शन अलग बाद में कभी नहीं देखा गया था। द फ्लाइटिंग इन्वॉल्व द वर्ल्ड लीडिंग इंडस्ट्रियल नेशंस, वर्ल्ड का वर्ल्ड में लीडिंग चलने वाला जितना सारा इंडस्ट्रियल नेशंस था उसका एक इम्पोर्टेंट सिटी इस वर्ल्ड वॉर में देखा गया है। व्हिच नाउ द हार्डनेस द फास्ट पावर ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्री इन्फ्लुएंस द ग्रेट पॉसिबल देखो डिस्ट्रक्शंस इन देयर एनिमीज, उसका जो पावर है चेंजेस है उसका एक बहुत ही लार्ज तरफ से इम्पैक्ट इम्पोर्टेंस सिटी इस टाइमिंग में देखा गया। ड्यूरिंग द वॉर वर्ल्ड चलने का टाइमिंग में इंडस्ट्रीज वेर रेस्ट्रिक्टेड, इंडस्ट्री का बहुत सारे इंडस्ट्रीज बंद कर दिया गया था ड्यूरिंग द वॉर वर्ल्ड का टाइमिंग में, ठीक, टू प्रोड्यूस वॉर रिलेटेड गुड्स, सिर्फ वहाँ पर वॉर रिलेटेड गुड्स का ही प्रोडक्शन चल रहा था, मतलब गन से लेके जितना सारा किस किस जगह में फूड्स है, जहाँ पर इंडस्ट्री जिस इंडस्ट्री में जो प्रोडक्शन करने वाला था प्रोडक्शन होता था उसका मेन प्रोडक्टिविटी बंद कर दिया गया था, सिर्फ वार रिलेटेड गुड्स का ही कल्टीवेशन चल रहा था उस टाइमिंग में, राइट। दिस डेथ एंड इंजुरीज रिड्यूस द एबल द बॉडीज वर्क फोर्स इन यूरोप, जितना सारा इंजुरीज बॉडीज है वो यूरोप में मैंने मतलब मेन वर्क फोर्स में इन्वॉल्व किया गया था। विद द फेवर ऑफ द मेवार 19, यहाँ पर देखो एंटायर द सोसाइटीज वेर ऑल्सो रिकोगनाइज फॉर वार, जितना सारा सोसाइटीज एरिया था वहाँ पर वार रिकोगनाइज कर दिया गया था, वार घोषणा कर दिया गया था, एज मीन वेन टू बैटल, जितना सारा मैन था सब वार में इन्वॉल्व था। वुमेन स्टेप्ड इनटू द अंडरटेक जॉब दैट अर्लियर ओनली मैन वेर एक्सपेक्टेड टू डू, जहाँ पर मैन का जो जॉब था उसको कौन कर रहा था, वुमेन जो है वो कर रहा था उस वार का टाइमिंग में। तो एक इम्पोर्टेंट सिटी यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिटी देखा जा रहा है, राइट। देन उसके बाद देखो द वॉर लेड टू द स्नैपिंग ऑफ इकोनॉमिक लिंक बिटवीन सम ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमिक पावर्स, वर्ल्ड का जितना सारा इकोनॉमिक पावर्स है एक उसमें एक इंटरलिंक इस टाइमिंग में देखा गया था। वेयर नाउ फ्लाइटिंग इज अदर द पे ऑफ देम, जहाँ पर एक मतलब सब में एक अनइक्वलिटी कंडीशन चल रहा था। सो ब्रिटेन ब्रॉट लार्ज सम्स ऑफ मनी फॉर यूएस, ब्रिटेन जो है वो यूएस से लार्ज सम मनी बहुत ही ह्यूज अमाउंट मनी कलेक्शन किया था। बैंक सम वेल एज द यूएस पब्लिक, जो यूएस पब्लिक यूनाइटेड स्टेट्स पब्लिक कमीशंस का थ्रू कंप्लीट किया गया था। दस द वर ट्रांसफॉर्म्ड द यूएस, जब यूएस वर जो है यूएस में चला गया, फ्रॉम द बिगिन द इंटरनेशनल डेबोट डिप्टर टू एन द इंटरनेशनल
क्रेडिटर, जहाँ पर इंटरनेशनल सिस्टम में भी चेंजेस देखा गया। इन अदर वर्ड्स द एस द वॉर सेंट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड द इट्स सिटीजंस ओन मोर ओनर्स ओवरसीज एसेट्स देन फॉरेन गवर्नमेंट एंड सिटीज ओन द यूएस। यूएस का जो सिटी सिस्टम है उसमें भी वॉर का एक इम्पोर्टेंट सिटी यहाँ पर देखा गया है। देन उसके बाद देखो देखो राइस द राइस ऑफ मास प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, किस तरह से जितना सारा मास है उसका प्रोडक्शन प्रोडक्ट कंजम्पशन में चेंजेस देखा गया। राइस ऑफ मास प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रिकवरी वाज क्विकली। We have already seen how the war. United States of America जो है वहाँ पर वार का वार को मतलब उस टाइमिंग में देखा जा रहा था बूस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स इकोनॉमी, जिसका एक इम्पोर्टेंट सिटी इफेक्ट पड़ रहा था यूनाइटेड स्टेट्स का इकोनॉमिकली। आफ्टर ए शॉर्ट पीरियड एक शॉर्ट टाइमिंग में अब इकोनॉमिक इकोनॉमी का एक शॉर्ट टाइमिंग में क्या हुआ था द ट्रबल इन द ईयर्स ऑफ आफ्टर द वार। वार जिस टाइमिंग में चल रहा था द यूनाइटेड स्टेट्स इकोनॉमी रिज्यूम्ड इट्स स्ट्रांग ग्रोथ इन द अर्ली 1920 टाइमिंग में यूनाइटेड स्टेट्स इकोनॉमी जो है उसमें एक चेंजेस देखा गया था। वंस इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इकोनॉमी वन यूनाइटेड स्टेट इकोनॉमी में एक फीचर्स देखा गया था वर्ल्ड वार का टाइमिंग में, क्या था वो द मूव टुवर्ड्स मास प्रोडक्शंस हैड बिगन इन द लेट 19th सेंचुरी। लेट 19th सेंचुरी का टाइमिंग में मास प्रोडक्शंस का अमाउंट भी बढ़ गया था, बट दैट वी 1920 इट इज बिकेम फॉर ए कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस, जो 1920 में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में कैरेक्टरिस्टली इम्पोर्टेंसिटी देखा गया। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन द यू एस, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो यूनाइटेड स्टेट्स में था एज वेल एज ए वेल नोन पायोनियर ऑफ मास प्रोडक्शन वॉज द कार मैनुफैक्चर हैपेन फूड। वार का लिए अलग अलग जगह में कार बनाया गया था, कार का मैनुफैक्चरिंग किया जा रहा था जिस कार का वार में यूज किया जाएगा, राइट। ही अडेप्टेड एज वेल नोन एज द पायोनियर ऑफ मास प्रोडक्शन ही अडेप्टेड द असेंबल्स लाइन ऑफ द शिकागो स्लैटेंग्स हाउस, जहाँ पर एक असेंबली रखा गया था शिकागो का स्लैटेंग्स हाउस में, वेर पीकल अपार्ट फ्रॉम द बाचेस एज दे केम डाउन ए कॉन्वेनियर इज कैप्चर ऑफ द प्लान ऑफ द डेट्रॉइट। डेट्रॉइट सिटी को यहाँ पर कैप्चर किया गया था। यहाँ पर नेक्स्ट उसके बाद देखो द ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन एक इंपॉर्टेंट जगह है। ग्रेट डिप्रेशन क्या है? द ग्रेट डिप्रेशन बिगेन अराउंड द 1929 में ग्रेट डिप्रेशन वर्ल्ड वाइज वर्ल्ड का टोटल वर्ल्ड को बेसिस में एक ग्रेट मतलब ऐसा सिचुएशन आ गया था तो वर्ल्ड में जितना सारा कंट्रीज इन्वॉल्व है सब में एक डिप्रेस्ड मेंटेलिटी देखा गया था। ड्यूरिंग दिस पीरियड इस टाइमिंग का इस पीरियड टाइमिंग में मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वर्ल्ड का अलग अलग जगह में एक्सपेंस्ड द कैटास्ट्रोफिक डिक्लाइन इन द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में क्या किया गया था? कैटास्ट्रोफिक डिक्लाइन घोषणा कर दिया गया था। मतलब जितना सारा प्रोडक्शन है उसको बढ़ाना ही है, इसका परसेप्शन में मतलब मुलतवी जारी किया गया था। एम्प्लॉयमेंट इनकम्स एंड द ट्रेड हर जगह में एक चेंजेस देखा गया था। बहुत पीपल है जो इसको इनके जॉब लेस कर दिया गया। द एग्जैक्ट टाइमिंग एंड द इम्पैक्ट ऑफ द डिप्रेशन इस टाइमिंग में इस टाइमिंग को डिप्रेशन का साथ इमेजिन किया जाता है क्योंकि बहुत सारा पीपल है जिसको जॉब लेस कर दिया गया था, वो लोग मतलब काम से बाहर आ गया था। इनकम्स एंड द ट्रेड्स द एग्जैक्ट टाइमिंग्स एंड द इम्पैक्ट ऑफ द डिप्रेशन वैरीड द एक्सेस कंट्रीज, जिस अलग अलग कंट्रीज में इस टाइमिंग को डिप्रेस वर्ल्ड वाइज डिप्रेशन और ग्रेट डिप्रेशन का साथ इमेजिन किया गया। बट द जनरल एग्रीकल्चरल रीजन्स बट जो जो जगह एग्रीकल्चरल एरिया था एंड द कम्युनिटीज वेर द वर्ल्ड अफेक्टेड उस जगह में एक चेंजेस मतलब प्रभाव पड़ा था। दिस वॉज द बिकॉज द फॉल इन एग्रीकल्चरल प्राइसेस was greater and the more prevalent and then the in the prices of the industrial goods में जो है उसमें
उसका जो प्राइसेस है वो बढ़ गया था, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो कम हो गया था। द डिप्रेशन वॉज कॉज्ड बाई ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल फैक्टर्स। डिप्रेशन जो है वो वर्ल्ड में अलग अलग फैक्टर्स का बेसिस में देखा गया है। वी हैव ऑलरेडी सीन हाउ फ्रैगली द पोस्ट वॉर वर्ल्ड इकोनॉमी वॉज। इस तरह से वर्ल्ड इकोनॉमी में मतलब चेंजेस देखा गया है पोस्ट वॉर का टाइमिंग में। द फास्ट एग्रीकल्चरल ओवर प्रोडक्शन रिमेंट्स ए प्रॉब्लम। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में एक चेंजेस प्रॉब्लम मतलब शेयर करना पड़ा हुआ था उस टाइमिंग में। दस द मेड वर्क बाय द फॉलिंग एग्रीकल्चरल प्राइसेस। यहाँ पर एग्रीकल्चर का जो प्राइसेस है वो बढ़ हो जो है वो क्या हो गया था, वो कम हो गया था। एज प्राइसेस स्लम्प्स एंड द एग्रीकल्चरल इनकम डिक्लाइंड। एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है वो कम हो गया। द फार्मर्स आर ट्राइड टू एक्सपेंड द प्रोडक्शन। फार्मा जो है वो प्रोडक्शन बढ़ाने का कोशिश किया। ब्रिंग द लेटर्स वॉल्यूम लार्ज वॉल्यूम प्रोड्यूस द मार्केट टू मेंटेन द ओवर इनकम। मार्केट एरिया में इनकम जो है उसका परसेप्शन भी कम हो गिया। तो इसी टाइमिंग को इमेजिन किया जाता है द ग्रेट डिप्रेशन का साथ। द सेकेंड इन द मिड टू 1920 का मिडिल टाइमिंग में मेनी कंट्रीज फिनेंशियल्स दे आर इन्वेस्टमेंट थ्रू लोन्स। जितना सा बहुत सारा कंट्रीज था जहाँ पर फिनेंशियली लोन जो है लोन का एक इम्पोर्टेंस भी देखा गया था। बहुत सारा कंट्रीज में लोन ले लिया था, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा। वाइल इट वॉज ऑफन द एक्सट्रीमली ईजी सो राइज लोन इन द US व्हेन द गोइंग वॉज गुड। जिसका एक इम्पोर्टेंस भी कहाँ पर देखा गया, US में देखा गया। गुड्स का प्रोडक्शन का पर्पस वो लोग लोन ले लिया था, जैसे कि इकोनॉमिकली लोन एग्रीकल्चरली लोन ले लेना पड़ा था। US यूनाइटेड स्टेट्स ओवरसीज द लेंडर्स द बैंकिट्स आर द फास्ट स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रबल। यूनाइटेड स्टेट्स ऐसा कंट्रीज था, ऐसा स्टेट था जहाँ पर पॉपुलेशन मतलब जितना ज़्यादा पॉपुलेशन है सब लोग लोन का पार्ट में ले लिया, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन लोन ले लिया था, ऐसा कंडीशन हो गया था इन द फास्ट हाफ ऑफ 1928। 1928 का फास्ट टाइमिंग में US यूनाइटेड स्टेट्स ओवरसीज लोन, यूनाइटेड स्टेट जो है वहाँ पर लोन का अमाउंट कम कर दिया गया था। 1 बिलियन पीपल लोन ले लिया था। ईयर लेटर इट वॉज वन मतलब सबसे ज़्यादा कॉमन पीपल जो है कंट्रीज का सब लोग लोन ले लिया था, ऐसा सिचुएशन बन गया था। क्वार्टर ऑफ दैट द अमाउंट अमाउंट का जो है लोन का वो भी मतलब बढ़ गया था। कंट्रीज द डिपेंडेंट क्रूडली ऑन द यूनाइटेड स्टेट लोन्स नाउ द फिनेंस। तो फिनेंशियल एक्टिविटीज़ जो है उसमें एक चेंजेस देखा जा रहा है। नेक्स्ट जगह मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। थैंक यू।